दोस्तों आप लोग गलत तरीके से शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो, इसीलिए आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है। आपको मैं प्रूफ भी अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, देखिए ये मेरे सब्सक्राइबर का चैनल है, ये हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन इनकी वीडियो वायरल ही नहीं जाती थी। इसके बाद मैंने इनको एक ट्रिक बताया कि ऐसे वीडियो अपलोड करो, आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे हो, सही तरीके से वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो वायरल जाएगी। और जब मैंने इनको बताया, देखिए 2 दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया, 49,000-50,000 के करीब व्यूज चले गए, ऑडियंस रिटेंशन देखो आपका 134.8% यानी कि 135% ऑडियंस रिटेंशन, लाइक देखो 1.2 लाइक, यानी कि इनको जैसे मैंने बताया उसी तरह से इन्होंने किया और इनकी वीडियो अपलोड करते ही वीडियो वायरल हो गई। यानी कि जितनी वीडियो पहले अपलोड करते थे इनकी, ये सारी वीडियो गलत तरीके से अपलोड करते थे। तो यहां पर देखो 2 दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया था, देखो 15,000 व्यूज आ गए। इस वीडियो को मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूं, ये देखो 15-16,000 व्यूज आ गए और सिर्फ 74% इसका ऑडियंस रिटेंशन है, 341 लाइक है। यानी कि देखो सही तरीके से जब ये वीडियो अपलोड करने लगे तो इनकी वीडियो वायरल जाने लगी। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना चाहिए, शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड करना चाहिए। आप लोग सिंपल से क्या करते हो, YouTube अपने चैनल पर एप्लीकेशन ओपन करते हो, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्रिएट शॉर्ट पर क्लिक करके अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देते हो। लेकिन यही गलत तरीका है, आपको शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड से बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना चाहिए। जब तक कि आपका यूट्यूब चैनल नया है, आपके वीडियो पर लाखों व्यूज नहीं आ रहे, आपको कभी भी शॉर्ट फीड से अपने वीडियो को नहीं अपलोड करना चाहिए। उसका एक रीजन मैं बता दे रहा हूं। देखो जब अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो ना, तो अपलोड करने के बाद जैसे ही अपनी वीडियो को पब्लिक करते हो, पब्लिक करने के बाद आपकी वीडियो 24 घंटे बाद शॉर्ट फीड में जाती है। अचानक से जैसे ही आपने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आपके शॉर्ट वीडियो पे सिर्फ ब्राउज से व्यूज आते हैं। तो अपलोड करने का सही तरीका चेंज कर लो, यानी कि शॉर्ट फीड से मत अपलोड करो। तो सिंपल से आपको करना क्या है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ए शॉर्ट पे ना करके आपको अपलोड अ वीडियो पे करना है। क्यों, मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, अभी ध्यान से आप सुनिएगा। अपलोड अ वीडियो पे करना है, अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करने के बाद में, अब देखिए यहां पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, ये देखिए। अब शॉर्ट वीडियो, ये अलग तरीके का शॉर्ट वीडियो है, कैसे शॉर्ट वीडियो है यहां पर अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। दोस्तों अगर आपको लाइफ में अपने सक्सेसफुल बनना है तो आज से आपको 5 आदतें अपनी लाइफ की बदल देनी चाहिए। तो आपने देखा इस तरह से आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, आपको ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाना है ताकि कोई आपकी वीडियो को देखे ना तो पूरा एंड तक खत्म किए हुए आपकी वीडियो को रुके ही ना, ठीक है। इस तरह की आपकी वीडियो बनाना है, अगर नहीं बनाने आता तो आप नीचे कमेंट करो। वीडियो को यहां पर इस तरह से लगाने के बाद आपको यहां पर कुछ भी लिखना नहीं है, यहां पर इसके बाद अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद में यहां पर आपके सामने आप अपने YT स्टूडियो पे चले जाओ। तो ये देखिए मैंने शॉर्ट फीड से वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देखोगे मैं अपनी वीडियो को जैसे ही अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहां पर आप देखोगे यहां पर शॉर्ट वाला फंक्शन, यहां पर शॉर्ट वाला सिंबल आ गया है। मैंने शॉर्ट फीड से वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन शॉर्ट वाला यहां पर सिंबल अपने आप इस वीडियो पर आ गया है। दोस्तों एक मिनट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हमेशा यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहता हूं। अब इसके बाद जब इसमें वीडियो को ओपन करूंगा ना, तो यहां पर देखिए मैं थंबनेल भी लगा सकता हूं, थंबनेल भी लगा सकता हूं स्टार्टिंग में, ये देखो। अगर यहां से थंबनेल आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप गूगल क्रोम से थंबनेल लगा सकते हो। इसके बाद में यहां पर देखिए आपको अपने वीडियो पर टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, और थंबनेल तो आपको मैंने बता दिया, और टैग कैसे लगाना है। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, जब तक यहां पर देखिए अभी इस वीडियो पर एकदम से वाइट आया है, यानी कि वीडियो प्रोसेस नहीं हुई है। ये देखिए अब ये वीडियो प्रोसेस हो चुकी है। इसके बाद में जब यहां पर आपकी वीडियो प्रोसेस होती रहेगी ना, तो यहां पर लिखिएगा प्रोसेसिंग। इसके बाद में आपको सिंपल से क्या करना है, नोटिफिकेशन इस वाले पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर देखिए इस टाइटल को यहां पर इस तरह से डिलीट करना है, और मैंने जो वीडियो के ऊपर में लगाया हुआ था 5 आदतें बदल डालो, ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल से लिखना है 5 आदतें, तो यहां पर आपको इस तरह से लिखना है 5 आदतें बदल डालो, नहीं तो हो जाएगा बहुत बुरा, ठीक है। और इसके बाद यहां पर आपको एक इस तरह से इमोजी लगा देना है, मतलब कोई देखे तो वो सोचे कि क्या ऐसा बुरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लिक बेट करने वाला है, ये इस तरह से आपको टाइटल लिखना है। इसके बाद यहां पर आपको सिंपल से क्या करना है, इतना जब आप लिख दोगे यहां पर आपको लिखना है #shorts, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर हैशटैग लिखा और एस लगाया, तो यहां पर देखिए शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स यहां पर कितना लिखा है, 396 मिलियन, यानी कि यार 300 करोड़, यही समथिंग उतना होता है, और 21 मिलियन चैनल, यानी कि भाई 20 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा का यहां पर चैनल है जिसपे शॉर्ट वीडियो बनाए गए। अब इस कीवर्ड को जब अपने टाइटल में लगाओगे तो सोचिए आपकी वीडियो कितना रैंक करेगी यार भाई, मतलब एकदम दबा के व्यूज आएंगे। तो आपको ये लगा देना है, और इसके बाद यहां पर फिर हैशटैग लगाना है, और यहां पर फिर से लिखना है शॉर्ट्स, इसके बाद ये वाला शॉर्ट, और इसके बाद यहां पर आपको हैशटैग लगा करके फिर यूट्यूब
शॉर्ट्स, ठीक है, ये देखो 53 मिलियन है, आपको इतना कर देना है। इतना कर देने के बाद में आपको सिंपल से इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी यही लगा देना है। और याद रखो, अपने शॉर्ट वीडियो में आपको एकदम डिस्क्रिप्शन भरना नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन, जो टैग आपने टाइटल में लगाया हुआ है, शॉर्ट, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वही वाला सेम आपके टाइटल में भी रहना चाहिए। इसके बाद में यहां पर आप अपने चैनल का नाम भी दे सकते हो और एक दो और टैग लगा सकते हो, कीवर्ड लगा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल से यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, नीचे में यहां पर आपको मिलेगा टैग्स कैटेगरी वाला, यहां पर भी आपको वही सेम चीज लिखना है, शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद इस तरह से कर देना है, फिर शॉर्ट, फिर यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, ट्रेंडिंग शॉर्ट, इस तरह से आपको दो से तीन चार कीवर्ड आपको लिखना है यहां पर टाइटल में। अपने टैग में आपको दो से तीन टैग आपको लगाना है, चार टैग लगाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। लगाने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, आपको डायरेक्ट ही पब्लिक नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको डायरेक्ट पब्लिक नहीं करना है। यहां पर आपको अपने वीडियो की विजिबिलिटी में जाना है। विजिबिलिटी में जाने के बाद यहां पर आपको अपने वीडियो को शेड्यूल्ड करना है। शेड्यूल्ड क्यों करना है पूछो, जब आप अपने इस तरह की वीडियो को अपलोड करोगे तो यहां पर देखिए आपकी वीडियो कैसे चली गई है। यहां पर मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, शेड्यूल नहीं, अभी यहां पर मैं इसको पब्लिक नाउ पर अनलिस्टेड पे क्लिक करके इसको मैं सेव कर दे रहा हूं बताने के लिए। देखो जब आप अपनी वीडियो को यहां पर सेव कर दियो, सेव करने के बाद यहां पर मैं बैक आता हूं, देखो ये शॉर्ट फीड में चली गई है। लेकिन आपने कैसे अपलोड किया था, आपने किया था अपलोड वीडियो पे, लेकिन ये वीडियो चली गई शॉर्ट फीड पे। तो यहां पर आपको डायरेक्ट ही अपनी वीडियो को पब्लिक नहीं करना है, उसके लिए यहां पर आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर विजिबिलिटी पे आना है और शेड्यूल्ड कर देना है, ठीक है। यहां पर आपको अपना एक टाइम लगा देना, जैसे मान लीजिए आज 17 तारीख है तो कल 18 तारीख हो जाएगा, तो 18 तारीख को मैं 12 बजे या 1 बजे 1 पीएम पे मैं अपनी इस वीडियो को पब्लिक करना चाहता हूं, तो इसके बाद यहां पर मैं लगा दिया। जैसे मान लीजिए आज आपको करना है तो एक घंटे बाद का आप लगा करके कर दो और इसके बाद आप सेव कर दो। तो इससे क्या होगा कि जब वो टाइम आ जाएगा ना, जिस टाइम पर आप सेट किए रहोगे, आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी और सबके पास में नोटिफिकेशन जाएगा। जितने भी आपके चैनल पर सब्सक्राइबर रहेंगे सबके पास में आपके नोटिफिकेशन जाएगा, और जब नोटिफिकेशन जाएगा तो वो उस नोटिफिकेशन से आपकी वीडियो को सबसे पहले वॉच करेंगे, तो आपकी वीडियो पर सबसे पहले ब्राउज फीचर से व्यूज आएगा। यहां पर देखिए आपकी वीडियो पर सबसे पहले ब्राउज फीचर से व्यू जाएगा, और इसके बाद ब्राउज फीचर से जब कई सारे लोग आपकी वीडियो को देख लेंगे और आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन हाई हो जाएगा, तब वो क्या होगा ना कि आपकी धीरे-धीरे जो वीडियो है वो शॉर्ट फीड में जाने लगेगी। और जब शॉर्ट फीड में चली गई तो आपकी जितनी भी सारे वीडियो हैं, यानी कि आपने शॉर्ट कीवर्ड लगाया हुआ है और एक बार शॉर्ट कीवर्ड आपने जो लगाया हुआ है वो आपके शॉर्ट फीड में बैठ गई, तो आपकी वीडियो पे इतने व्यूज आएंगे, इतने व्यूज आएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। जहां दो से चार व्यूज आते हैं वहीं पर आपके लाखों में व्यूज चले जाएंगे सही तरीके से, जब आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। आज की वीडियो दोस्तों इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।